अब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को सीरियस होके और लागू कर देना चाहिए। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये दावों के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। सो आई बिलीव कि दावों से ना काम नहीं चलेगा, अभी ग्राउंड पे आके लोगों को ये सब चीज़ें लागू करनी पड़ेगी। जो रिलीफ दिलवाते हैं उन्हीं को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ये तो बहुत सैड सिचुएशन में है कंट्री। कौन गलत है? जो गलत करेगा वो डरेगा, गलत करने वाला आदमी हमेशा डरेगा। देखिए बहुत बेसिक सी बात है कि एक एक्ट है जो बना हुआ है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, राजस्थान में वो लागू हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि जो हम जो ये कैंडल मार्च जो कर रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से जो कैंडल मार्च है, वो हमारा इस मामले में सॉलिडैरिटी दिखाने का है कि जो हमारे कोर्ट प्रीमिसेस में जो चीज़ें होती हैं, कोर्ट प्रीमिसेस में एडवोकेट्स अगर सेफ नहीं है तो हम किसी और की सेफ्टी के बारे में क्या बात करेंगे। तो आई बिलीव कि इट इज़ हाई टाइम, अभी जो अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक एपिसोड हुआ जिसके लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो ये एक ऐसे अनफॉर्चुनेट एपिसोड्स ना हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल रहे हैं। सो आई बिलीव इट इज़ हाई टाइम कि हम लोगों को अब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को सीरियस होके और लागू कर देना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ एक यही है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, वट आर द ऐसा क्या है कि हम नहीं कर पा रहे हैं इसको? ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। अब जैसे आप लोगों को आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों के कंपैरिजन में पुलिस वाले हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो जब ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं तो फिर ये बुनियादी लेवल पे प्रोटेक्शन की बात हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं एडवोकेट्स की? सरकार तो बड़े दावे कर रही है सुरक्षा को लेकर। सर सरकार, अब जैसे मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि ये एक बहुत सोशल इशू है और इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट यही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि उनको ना इफ एंड बट ना करते हुए आई थिंक इसको लागू कर देना चाहिए। दावे करने से कुछ होता नहीं है, दावे तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये दावों के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। सो आई बिलीव कि दावों से ना काम नहीं चलेगा, अभी ग्राउंड पे आके लोगों को ये सब चीज़ें लागू करनी पड़ेगी। किस तरफ जाना है, जो न्याय दिलाते हैं सबको वो आज न्याय मांगने आते हैं। मैं आप लोगों से ही ये सवाल पूछती हूँ कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जो बाकियों के लिए खड़े होते हैं, सुबह हम ये ब्लैक कोट पहन के घर से निकलते हैं, हम लोग हर किसी के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं, हर किसी को रिलीफ दिलवाने की काम करते हैं कोर्ट्स प्रीमाइसेस के अंदर। सो आई बिलीव जब जो रिलीफ दिलवाते हैं उन्हीं को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ये तो बहुत सैड सिचुएशन में है कंट्री। इस देश में ना फार्मर खुश है, ना बिजनेसमैन खुश, डॉक्टर्स खुश हैं, अब एडवोकेट्स भी उसमें ऐड हो गए हैं। सो आई बिलीव गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस इश्यूज एंड आई थिंक ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लागू हो जानी चाहिए। बार जो एसोसिएशन होती है बड़ी पावरफुल होती है, उसका क्या रवैया? सर बार एसोसिएशन को सॉलिडैरिटी देने के लिए जो काम कर रहे हैं इस इशू के अंदर, हम लोग तो सॉलिडैरिटी ही दिखा रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर काम होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ में खड़े हैं बेसिकली। बार का भी राजनीतिकरण हो रहा है सर, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट क्योंकि ये इस मुद्दे को जो ये बहुत सीरियस इशू है इसको आई थिंक पॉलिटिकल करना ठीक नहीं रहेगा। आई बिलीव कि जो काम कर रहे हैं हम लोगों को उनके साथ में मिलकर, जैसे अगर मैं वही आपने कहावत सुनी होगी ना कि एक आदमी अगर सही काम करने जा रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, अपने आप वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम तो स्ट्रांग करने का काम कर रहे हैं। बार आपका साथ दे रहा है सर, वो आप उनसे पूछिए। तो आई बिलीव कि बार अगर नहीं दे रहा तो उनको सामने आके इस पे हमारे साथ में सॉलिडैरिटी दिखानी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल तो बार एसोसिएशन के काम यही होते हैं कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करें। सो आई बिलीव कि अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए सामने। आप कानून के जानकार हैं, जो अभी माहौल देश में चल रहा है, जिस प्रकार के फैसले आ रहे हैं, इन पर क्या कहना है? सर मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत सैड रियलिटी है। अभी मैं सिर्फ एक ये बात इससे हटके बात करूंगी, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट से हटके, कि बड़ी सैड रियलिटी है कि वो कृषि कानून बनाते हैं फार्मर्स को समझ नहीं आता है, वो कुछ डॉक्टर्स के लिए बनाते हैं वो डॉक्टर्स को समझ नहीं आता है, सीए बनाते हैं तो देश के नागरिकों को समझ नहीं आता है। सो आई बिलीव कि मोदी गवर्नमेंट शुड सिंप्लीफाई थिंग्स एंड वो जिसके लिए काम करें एटलीस्ट उन लोगों को तो वो चीज़ें ऐसे लगनी चाहिए कि हमारे वेलफेयर में है। अभी उन्होंने ये जो मैं अगेन आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मेरे से क्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि एक छोटी सी चीज़ है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्यों नहीं लागू कर पा रही है? भाई हम एक छोटा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल अराउंड अस, हंड्रेड्स ऑफ पुलिस फोर्स, आप ये दिखाइएगा अभी जरूर मेरे से बात करने के बाद में कि इतने सारे लोग जब हमारे कैंडल मार्च को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोजिटली कि हम कुछ गलत ना कर दें, हमें इतनी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो इतनी सब जब टेक्निकलिटीज इन चीज़ों में है तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में क्या अभी तक कमी आ रही है? कहा जाता ना दिल्ली का जो एडवोकेट्स है ना उनकी दहशत है पुलिस में। सर देखिए आप पुलिस से कौन डरते हैं पुलिस से?
मतलब एडवोकेट से पुलिस बहुत डर सर देखिए डर एक बहुत नेगेटिव इमोशन है, आई थिंक कोई किसी से नहीं डरता है। इट इज अबाउट कि कौन गलत है, जो गलत करेगा वो डरेगा, गलत करने वाला आदमी हमेशा डरेगा। अगर मैं आज मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं डरूंगी तब एज अ पर्सन जब मैं कुछ गलत कर चुकी होंगी अपनी लाइफ में। कौन कोई किसी से नहीं डरता है बेसिकली। इट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बट वो सैड है कि वो भी थोड़ा सा उसमें है। अभी हम जो हम ऑपोजिशन का जो काम है हम वो कर रहे हैं। मे बी वन डे वी विल अचीव द ट्रू गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग मांग कर रहे हैं कि जी देश जब से आजाद हुआ तब से तो इस देश में राजनीति कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर प्रसाद हो राष्ट्रपति या फिर हमारे प्रधानमंत्री अभी भी देख लेंगे। आप मीनाक्षी लेखी हैं पहले प्रसाद को तो एक से सर मैंने अभी अभी एक ही बात बोली आपको कि आप जब वो जैसे डर की मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो गलत करता है वो डरता है, तो जिसकी ट्रू इंटेंशंस होगी ना काम करने की, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि एक आदमी पावर के बिना रह के भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इन लोगों के में भी ट्रू इंटेंट नहीं थे काम करने के। अरुण जेटली जी का नाम लिया आपने, रविशंकर प्रसाद जी का नाम लिया, तो मैं भी इनका ये जमीनी हकीकत से थोड़ा सा इग्नोरेंट है। तो इन लोगों को आई थिंक ट्रू रियलिटीज देखनी चाहिए, ग्राउंड पे आके लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। अब आई थिंक इट इज हाई टाइम अब तो लागू कर देना चाहिए ये सब चीजें। किरण रिजिजू के कानून मंत्री का बयान आया था कि वो सर आई एम सॉरी टू से बट इस देश में जब भी कोई अपने हक की बात करता है तो वो साजिश ही लगती है सबको। अब ये जिस हिसाब से गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज कर रहे हैं, एनीवेज वो एक बहुत पॉलिटिकल इशू हो जाएगा कमेंट करने के लिए। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो मुद्दा है, जो आज का कैंडल मार्च है, जो कि हमने श्रीनिवास जी जो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और रूपेश भदौरिया जी जो हमारे लीगल सेल के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में जो हमने कैंडल मार्च निकाला, इसका ट्रू एसेंस आप लोगों तक पहुंचा।